अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? अच्छा, आप जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अपने चैनल पे रिएक्शंस करता हूँ, ब्यूटी प्रोडक्ट का रिव्यू भी करता हूँ, लेकिन कल मेरी बहुत अच्छी खासी क्लास ली, किसी ने, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, कि तुम एक मुसलमान हो, अपने चैनल पे इस्लामिक चीज़ें क्यों नहीं शेयर करते, इस्लामिक चीज़ों पर रिएक्शन क्यों नहीं देते? आई वाज लाइक, बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो मुझे इस्लामिक चीज़ों पे भी रिएक्शन देना चाहिए, क्योंकि बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो माशाल्लाह मुस्लिम्स भी हैं, तो उनके लिए इस्लामिक चीज़ें, जो मुसलमान हैं उनके लिए डेफिनेटली इस्लामिक चीज़ें एक गिफ्ट से कम नहीं होती। तो मैं आज एक नात पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ, जो कि राहत फ़तेह अली खां का, तो एक ख्वाब सुनावा। तो मैंने आज तक ये नात नहीं सुनी, मतलब नात मैं सुनता ही नहीं, जो कि बहुत 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 गलत बात है। नात क्या होता है? नात शरीफ बोलते हैं। नात का ये मतलब है कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उनकी ज़ात के बारे में बात की जाए। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में जो मतलब पढ़ा जाए, उसको नात बोलते हैं। तो मैं नात पे रिएक्शन देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है राहत फ़तेह अली खां का एक नात है, जिसका नाम है एक ख्वाब सुनावा पूरे नूर फिजावा। मैंने आज तक ये नात नहीं सुनी, तो मैं इस पर रिएक्शन देने जा रहा हूँ, ये ऑन स्पेशल डिमांड है। तो मैं रिएक्शन स्टार्ट करूँ, उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं, पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं, ताकि मैं अपने चैनल पे जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो स्टार्ट। बहुत प्यारी आवाज़ है राहत फ़तेह अली खां की। आका दा मोहल्ला, वाह। तो मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब है इंशाल्लाह जाने यहाँ पे रोजा रसूल पे। बहुत प्यारी नात है, बहुत प्यारी नात है, हार्ट टचिंग है। एक ख्वाब सुना,
गर्मी से बहुत बुरा हाल है, पसीना निकल रहा है बहुत बुरी तरह से। एक ख्वाब सुनावा, राहत फ़तेह अली खां की जो आवाज़ है बहुत प्यारी है, हम सब इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह से वाकफ़ है। सॉरी यार, दिस इज़ माई ड्रीम, मतलब ये मेरा ख्वाब है, बहुत दिली ख्वाहिश है उमरा करना या हज करना, दोनों में से अल्लाह जो भी किस्मत में करे वो इंशाल्लाह होगा। लेकिन मुझे बहुत शिद्दत से शौक़ है रोज़ा रसूल देखना, हना काबा चूमना, सुनहरी जालियों को चूमना, वो अपना अपना कीता है, लेकिन मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा शौक है। मैं जब भी ऐसी कोई चीज़ सुनता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँ। अगर आप बात करें स्नात की, तो स्नात में क्या है कि वो अपना ख्वाब सुना रहा है, एक ख्वाब सुनावा पूरे नूर फिजावा, मतलब ख्वाब में वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी गली मोहल्ला घूम के आ रहा है। तो एंड में क्या होता है, उसका ख्वाब खुल जाता है, मतलब ख्वाब से उठ जाता है, आँख खुल जाती है, लेकिन फिर अल्लाह उसे वाकई ही वहाँ पे बुला लेता है। कोई वसीला अल्लाह जब बनाने भी आता है तो पता नहीं चलता कि कब वसीला बन जाता है, तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत हार्ट टचिंग, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी आवाज़ में राहत फ़तेह अली खां ने इस नात को बनाया, और इतना सुकून है इस नात में। लाइक जो, प्लीज़ कोई उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना, रिएक्शन जब मैं दे रहा हूँ तो मुझे एक चीज़ से लगाव है, तो उसके बारे में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अंदर से इमोशंस इंसान के निकलते हैं, तो आई कांट हेल्प इट। तो
आई होप आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने इस पर रिएक्शन अच्छा दिया, आप लोगों का रिएक्शन इस पर अच्छा हुआ, तो मैं डेफिनेटली और नात पे रिएक्शन दूंगा। तो पूरे कमेंट से ज़रा काइंडली परहेज़ कीजिएगा आप। मैंने कभी भी, मैं एक बात बोल दूँ, अब मेरे चैनल पे क्रिश्चियन है, हिंदू है, मैंने कभी भी हिंदू मज़हब या किसी भी और मज़हब के बारे में बात नहीं की। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे मज़हब के बारे में कोई बात ना करना यहाँ पे, या ना ही मेरे मज़हब को जज करना, इट्स रिक्वेस्ट। अगर आप करोगे तो डेफिनेटली मैं सिंपल ये करूँगा कि आपका जो कमेंट होगा उसको डिलीट कर दूँगा, इग्नोर करूँगा, इग्नोर से बेहतर कोई जवाब नहीं होगा। तो आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।